जगह फर्स्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेश। अगर बात की जाए कोरोना वायरस को लेके, तो दो दिन पहले हमारे जम्मू के एक एनसी के बड़े ही दिग्गज और बड़े ही युवा लीडर जिनकी है कोरोना वायरस से मृत्यु होगी, उसके बाद जो है उस एरिया को जो है वो सीज कर दिया गया। लेकिन उससे अगर बात की जाए सोशल मीडिया पर कई तरह के जो अफवाहें हैं वो कहीं ना कहीं लोग जो हैं उस अफवाहों पर ज़्यादा, आप अगर सुबह की बात की जाए सुबह लोगों का ये कहना था कि पुंछ हाउस को भी जो है सील कर दिया गया है और रेड जोन जो है डिक्लेयर कर दिया गया। उसी सब पे बात करने के लिए हम ग्राउंड लेवल की जो सच्चाई क्या है उस सब पे बात करें, हमारे साथ तहसीलदार साहब ऋषिकेश कुमार बहू जी हमारे साथ हैं जो जम्मू बेस्ट से बिलोंग करते हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन किस हिसाब की है। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू जी। सर जिस तरह से लोग जो है सोशल मीडिया पे कई पोस्ट जो है अपडेट्स कर रहे हैं कि अब जो है पुंछ हाउस को भी जो है रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है, तो किस तरह की जो है आप ग्राउंड लेवल की सिचुएशन है वो आप थोड़ी सी। हाँ, इसमें अभी कल ही कंटेनमेंट जोन का जो ऑर्डर किया है डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने, तो उसमें मैं कहना चाहूँगा कि कैंप गोल गुजराल में एक दो केस जो पॉजिटिव आए थे, आगे उनके जो कॉन्टैक्ट्स थे उनके भी हमने जब सैंपल किया, तो एक वो SOP है, प्रॉपर SOP के तहत जब केसेस पॉजिटिव आए कॉन्टैक्ट्स के तो उसमें कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर होता है, ऑफिशियल ऑर्डर होता है उसमें। तो उसमें हमारा एक पंचायत गोल गुजराल था और दूसरा हमारा वार्ड 30 और 31 गोल पुली पर, जैसा आप खुद बता रहे थे कि रोहित केनी जी जो मतलब कोविड पॉजिटिव की डेथ हुई है, कल ही उनका क्रिमेशन करवाया गया है। तो इस सब को देखते हुए एहतियातन इमीडिएट जो मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो प्रिकॉशंस लेते हुए इमीडिएट इसको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया है। तो उसमें जो एरिया फॉल कर रहा है वो मैं स्पेसिफाई करना चाहूँगा कि तालाब तुल्लू चौक से लेके एंड निटको लेन जो गुरुद्वारा है वो जो एरिया वार्ड 30 और 31 डिक्लेयर किया गया है एंड गोल गुजराल पूरी पंचायत की गई है। इसमें किसी किस्म की ट्रैफिक मूवमेंट को कहीं रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर मेंटेन रखी जाए और जो आइडेंटिफाइड कॉन्टैक्ट्स हैं पॉजिटिव केसेस के उनको प्रॉपर उनकी टेस्टिंग होके जब तक उनकी रिपोर्ट आ जाए तब तक थोड़ा सा इसमें, क्योंकि आपको पता है कि ये कम्युनिटी स्प्रेड को बचाने के लिए यही हमारे पास SOPs हैं कि एकदम से उस एरिया में कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर होने के बाद पूरा एहतियात रखा जाए। 144 जो है इसमें CRPC की इम्पोज्ड है, उसमें एपिडेमिक डिजीज एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की भी रेलेवेंट सेक्शंस हैं उस इम्पोज्ड हैं। तो मैं पब्लिक से भी ये अपील करना चाहूँगा कि इसमें किसी किस्म की कोताही ना बरती जाए, क्योंकि ये एक ऐसा महामारी है जो सामने नहीं दिख रहा है कुछ भी। आप सैलाब आता है, फ्लड्स आते हैं, तूफान आता है तो सामने दिखता है कि इसे हवा तेज चल रही है, विंड चल रही है, कुछ वैसा है। ये एक ऐसा डिजीज़ है, आपको पता ही है कि पिछले 3-4 महीने से पूरा विश्व भर में एक महामारी के रूप इसने ले लिया है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि हम काफ़ी अवेयरनेस भी लोगों में क्रिएट कर रहे हैं, बट सब जगह इस चीज़ का पालन ठीक से नहीं हो रहा है। आप भी इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लोग बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को वायलेट कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो कहीं स्पेसिफिक केसेस में यहाँ पे अब तो पॉजिटिव केस का एक डेथ भी हो गया, तो इमिडिएटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें प्रिकॉशंस लेते हुए कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किए हैं। सर एक सवाल और भी रहेगा, जिस तरह से हर एक चीज़ को जो है वो पल्स कर दिया गया है, अगर बात की जाए सोशल डिस्टेंस की तो सोशल डिस्टेंस का पालन जो है वो ग्राउंड लेवल पे नहीं देखा जा रहा, अगर दूसरी बात की जाए मास्क जो था वो अनिवार्य था, हर एक को पहनना था, लेकिन हमने कई जगह पे अपडेट्स न्यूज़ भी की किसी के पास जो है मास्क बड़े कम लोग जो है वो पहनते हैं, लेकिन लोग जो हैं अभी भी इस चीज़ को देखा जाए तो नहीं ले रहे, लाइट नहीं ले रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो केस की अगर बात की जाए सर 8 लाख क्रॉस कर गया इंडिया में, तो सर किस तरह से देखते हो आप इसको? देखिए मैं एक तहसीलदार होने के नाते अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि इसमें जैसे इनिशियल स्टेजेस में इस बीमारी का लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद आके आह्वान देश को किया कि देश की जनता को कि ये इस तरह की महामारी है और आप लोगों को बचाव के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, और काफ़ी लेवल पे ग्राउंड लेवल तक हम लोगों ने इसमें काम किया और लोगों को अवेयर किया, इवन के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मास्क जो हैं इंडिविजुअल लोगों को भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जितने हमारे फ्रूट वेंडर्स हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, जितनी हमारी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, हमने पर्सनली जाके मास्क जो हैं वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। देखिए जहाँ तक मैं इस चीज़ को, इस बीमारी को समझ पाया हूँ, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग ही एक ऐसा इसमें एक वे आउट है जिससे हम खुद को बचा सकते हैं, अपने परिवार की सुरक्षा इसमें कर सकते हैं। मास्क पहनना लोग अवॉइड कर रहे हैं, मुझे इसकी मुझे खुद बड़ा दुख महसूस होता है, क्योंकि वो अपने साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं कोई
किसी से आप मिलते हैं, कोई सामान आप खरीदते हैं, अगर आप प्रॉपर खुद को सैनिटाइज ना करेंगे, आप प्रॉपर अपने हाथ वॉश नहीं करेंगे, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक ट्रांसमिट होगी एक दूसरे से। सोशल डिस्टेंसिंग का मैं आपको आपके हवाले से मैं जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना काम करेगी कानून के दायरे में, हम तो उसमें एफआईआर भी लॉन्च कर सकते हैं, हमने की भी हैं, कोई एस्टेब्लिशमेंट्स हमने सीज भी की हैं जो वायलेशन में ओपन हुई थी, तो वो इस चीज़ का हल नहीं है। लोगों को खुद ही इसमें समझना चाहिए और लोगों को खुद ही आगे आना चाहिए और खुद ही एक कम्युनिटी लेवल पे अपने मोहल्ला लेवल पे बात करनी चाहिए। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, देखें जी आज ऑनलाइन का ज़माना है, मुझे आप ये चीज़ बताएं कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको मिसाल दूँ, कर्नल कॉलोनी में एक डॉक्टर साहिबा जी थी, उधमपुर हॉस्पिटल में पॉजिटिव आई, वो एक कंटेनमेंट जोन बन गया हमारा, मतलब थोड़ा सा एरिया, क्योंकि वो एक ही गली में, जिस गली में रहते थे वो पूरी गली आगे से बंद थी, तो सम 28-29 फैमिलीज़ उसमें इन्वॉल्व थे। तो उसमें हमने मैकेनिज्म क्या रखा था कि जो ग्रॉसरी के शॉप्स थे, वेजिटेबल वाला था, दूध वाला था, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं फैमिली में अपने निर्वाह के लिए, तो वो सब लोगों का हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया और वो जो था अपने ग्रुप में वो डालते थे कि सर ये सामान हमें दे दो। एक फैमिली जैसे हाउस नंबर 123 ने बोला तो दुकानदार आगे से वो सारा सामान पैक करके और वो उसमें डाल देता था कि इस सामान का इतना अमाउंट बना, 1,003 रुपये बने, जितना बना, तो वो वहाँ पे आता था और वो सामान छोड़ के जाता था नीचे लिफाफा और वो सामान उठा के फैमिली वाले अपने घर ले जाते थे। और बाद में जब वो सारा क्लियर हो गया, टेस्ट सबके नेगेटिव आए, बाद में उन्होंने जाके पेमेंट कर दिया और ऑनलाइन पेमेंट भी रखा था, उधर से वो डाल रहे हैं कि इतना अमाउंट बना ग्रॉसरीज के आइटम्स का या सब्जी का या दूध का, उधर से वो अपना अमाउंट ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें। तो क्यों हम इस मैकेनिज्म इसको अपना टेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्यों ना लें, क्यों हम लोग, क्योंकि आजकल हर चीज़ में आपको सर्विस मिल रही है, तो हम लोग बिल्कुल इस चीज़ को भूले बैठे हुए हैं कि जैसे महामारी ख़त्म हो गई, लॉकडाउन ओपन होने का कहीं मतलब नहीं है कि महामारी ख़त्म हो गई है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जम्मू की अगर आप बात करें, हम भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ये इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आप सारी चीज़ों को पूरा बंद करके भी सारा चलना बड़ा एक मुश्किल सी बात है। तो मैं यही सबसे अपील करूँगा कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स की वॉयलेशन कर रहे हैं, ये आप अपने साथ नहीं, अपने परिवार, अपने चाहने वालों के, अपने दोस्त मित्रजनों का, सबका ही आप मतलब इससे नुकसान कर रहे हैं। तो यही अपील करूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करें। एंड इसमें मैं अपने एरिया में आपको बड़ा क्लियर शब्दों में बता दूँ कि अभी मैं सुबह भी 2 राउंड करके आया हूँ, अभी हम इसमें पूरा प्रॉपर जो कंटेनमेंट जोन हमारे बने हैं, गोल गुजराल पूरा पंचायत इसमें इन्वॉल्व है। हाँ, इसमें 30 और 31 नंबर जो वार्ड हैं गोलपुली के एडजॉइनिंग, हमारा तालाब तुल्लु चौक से लेके हमने गुरुद्वारा तक जो है मेन रोड जो है पूरा हमने एस्टेब्लिशमेंट्स को बंद रखा है। हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें डीसी साहिबा ने जो ऑर्डर किया है इसमें बड़ा स्पेसिफिकली है कि जो कुछ मेडिकल एमरजेंसीज हैं या कुछ और कोई एमरजेंसी, कुछ भी एसेंशियल कमोडिटीज़ के रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो रेगुलेट की जाएंगी, वी विल इंश्योर दैट। इसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि इस एरिया में लोगों को खाना नहीं मिलेगा या खाने की ग्रोसरीज की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो नहीं मिलेंगी, वो सब प्रावधान इसमें है। सर, जाते जाते एक सवाल, जो लोग सोशल मीडिया पे जो लोग लगातार जो है हर 1 घंटे के बाद, हर 2 घंटे के बाद लोग जो है पोस्ट डाल देते हैं इस एरिया को सील कर दिया गया, इसको रेड जोन डिक्लेयर कर दिया, लोग अपनी ही मर्जी, जो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि देखें महामारी में चीज़ों को फेस करना, चीज़ों को डिलीवर करना, मैं एज ए तहसीलदार बात करूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, प्रशासन की बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मेरे पास अभी क्वारंटीन सेंटर है, आज मेरे पास 99 लोग वहाँ पे हैं, वो सुबह ट्रेन से आए थे, वहाँ उनके टेस्टिंग हुए, उनका यहाँ पे खाने का रहने का सारी व्यवस्था देखी जा रही है, ठीक है। एज ए तहसीलदार मैं अभी आपके सामने फाइल्स का ढेर लगा हुआ है, ये हम डिलीवर कर रहे हैं अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स का, किसान क्रेडिट कार्ड्स का भी चल रहा है, तो मतलब कहने का कि सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली हम लोग चला रहे हैं। अब अगर हाँ, आप अगर ये सोचें कि अगर हर एक चीज़ का कॉग्निजेंस हमें लेना है, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो मतलब कुछ फ्रॉडर्स लोग कुछ इस तरह से सोशल मीडिया में डाल रहे हैं उसके लिए डिफरेंट सेल्स बने हुए हैं, एंटी साइबर सेल्स बने हुए हैं, वो सारा अपना काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें ऐसी नौबत क्यों आ रही है, हम इस तरह से क्यों लोगों को मौका दे रहे हैं, प्रशासन को मौका दे रहे हैं कि हमारे खिलाफ कार्रवाई हो। सीधी सी बात है भाई, आप सब ने देखा है कि एक 38 ईयर्स ओल्ड एक नौजवान साथी हमारा यहाँ पे कोविड की वजह से डेथ हो गई, 3-4 दिन 5 दिन पहले उसको बुखार होता है और 4-5 दिन के बाद उसकी डेथ हो जाती है। एक वो जो कहा जा रहा था कि नहीं ये बच्चों को और बुज़ुर्गों को ही मतलब टारगेट ये एरिया है इसका कोविड-19 का, तो वैसा नहीं है, वो मिथ भी ख़त्म हो गई। तो ये सामने एक लाइव एग्जांपल है हम सबके लिए कि ये किसी के साथ भी घट सकता है,
वो भी बेचारा हमारा साथी इसी तरह सोचता होगा कि मैं कहीं आ रहा हूँ जा रहा हूँ तो मुझे, क्योंकि दिख तो कुछ रहा नहीं है ना, कुछ ऐसी चीज़ तो है नहीं है, कोई ऐसा दुश्मन है हमारा कि जो सामने दिख रहा है। तो मैं सबसे ये अपील करूँगा कि आपको कोई भी अगर इस चीज़ में, जैसे अब कंटेनमेंट जोन की है, मैं आपको इसके बारे में बता दूँ कि कंटेनमेंट जोन में जो हमारा डी सी साहब ने ऑर्डर किया है उसमें 0191-257-1616, मैं रिपीट कर रहा हूँ 257-1616, 24/7 ये नंबर हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से, आप इस पर कॉल करके कोई भी क्वेरी जो है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में इस तरह के जो भी अफवाह है आप यहाँ पे क्लेरिफिकेशन ले सकते हैं। दूसरा नंबर एक और रिपीट करूँगा 257-1912। तो ये दो हमारे नंबर हैं जो 24/7 हमारा वहाँ पे जो सेल बना है एमरजेंसी सर्विसेज का, तो यहाँ पे आपको कोई भी क्लैरिटी आप पूछ सकते हैं। ये मैं आपके माध्यम से आम जनता को भी ये अवेयर कर रहा हूँ, और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग जो है इसको प्रॉपरली फॉलो करें। मैं ये भी कहूँगा जो एस्टेब्लिशमेंट्स में जो दुकानदार हैं, ग्रोसरीज वाले हैं, चाहे वेजिटेबल वेंडर्स हैं, वो भी मैं उनसे भी कहूँगा कि कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का, जैसा आपने एक बार वो एक 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 जो प्रशासन का काम है आपको एक चीज़ के बारे में अवेयर करवाना और उसका उसके लिए आपको रास्ता बताना। हमने जब लॉकडाउन शुरू हुआ उसमें सर्कल्स बनाए होते थे हर एक मीटर के डिस्टेंस के ऊपर, 1 मीटर डिस्टेंस के ऊपर हमने 5 से 10 सर्कल्स बनाए होते थे हर एक ग्रॉसरी शॉप के ऊपर। आप देखें कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक शॉप्स खुलती थी, तब भी कोई भूखा नहीं सोया, आप भी भूखे नहीं सोए, मैं भी भूखा नहीं सोया, कोई ज़रूरी चीज़ दवाई कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि जो हमें नहीं मुहैया हुई, एडमिनिस्ट्रेशन ने तब भी इसका पूरा प्रावधान रखा था। तो अब लेकिन अगर हम लोग भूल जाएंगे कि नहीं कोविड, ये लॉकडाउन ओपन होने से कोविड ख़त्म हो गया, ये जो जहनीत है इसको हमें बदलने की ज़रूरत है। सर आपने क्वारंटाइन सेंटर की बात की, 2 दिन पहले ठंडी खुई में बड़ा ही हंगामा, वीडियो भी वायरल हो रहा है, तो लोगों का एक ही इल्ज़ाम है कि क्वारंटाइन सेंटर में अच्छी तरह से देख रेख जो है वो नहीं हो रही, तो क्या इस तरह के हालात जो हैं, अब लोग वहाँ से भाग रहे हैं सर, कितने लोगों ने वहाँ पर प्लान कर दिया है वहाँ से लोग जो हैं भागे हैं सेंटर से, तो सर क्या दिक्कत आ रही है क्वारंटाइन सेंटर से? देखिए सर, इसमें मैं तहसीलदार जम्मू वेस्ट हूँ, मेरे सेंटर में अगर आप चाहें तो वहाँ के जो हमारे इनमेट्स हैं वहाँ के बारे में अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं आप उनसे जाके बात कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट की बात है और वहाँ पे बेसिकली क्या उसमें पीछे हुआ होगा उस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो इसके लिए इस पर मैं कमेंट करना ठीक नहीं समझूँगा। तो ये थे हमारे साथ रिकेश कुमार बड़ू जी जो तहसीलदार थे जम्मू वेस्ट के, तो इन्होंने जो है क्लियर कट कर दिया कि किस कौन कौन से एरिया को जो है रेड जोन डिक्लेयर किया गया और कौन कौन से कंटेनमेंट जोन को जो रखा गया, जो लोग जो हैं सोशल मीडिया पे अफवाह वन पे यो नंबर भी जो है वो दिया गया कि आप इस नंबर पे कंफर्म। इसी तरह की और भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, जुड़े रहिए कैमरामैन गुरप्रीत के साथ, मैं राजेश सिंह। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इम्यूनिटी को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूं बुराक कलौंजी टैबलेट, जो बनाती है मुझे अंदर से मजबूत। 100% खालिस कलौंजी से तैयार एक आयुर्वेदिक शाहकार बुराक कलौंजी टैबलेट, हर मर्ज की ये दवा जिसमें है शिफा। आज ही खरीदिए